सभी अच्छे हो। शिशु वाटिका में 12 व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें से एक व्यवस्था है वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय यानी जिसमें वस्तुओं का को एक जैसी वस्तु होती है उसको इकट्ठा किया जाता है। एक जैसी वस्तु जैसे कि अनाज है, एक जैसे अनाज है, दाल है, मोठ है, मूंग है, कुछ भी उनको इकट्ठा कर लो, या फिर फ्रूट है एक जैसे, और ये सब्जियां हैं एक जैसी, और जैसे घर पे मसाले होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। बच्चों को उनको उनको ज्ञान देना होता है ना, जैसे कि ना ये उनको ये बोला है ये है मोठ और ये है मूंग, उनको एक प्लेट में डाल दो और उनको फिर बच्चों को एक साथ ऐसे अलग अलग रख दो और फिर बोलो कि मोठ को अलग करो, मूंग को अलग करो, दाल को अलग करो ऐसे। और जैसे ये फल है तो फल में भी ये कौन सा फल है, ये अनार है, ये कौन सा है, जैसे ये सेब है, इनको सबको एक साथ ही संग्रह करके बताना है कि ये कौन सा है कौन सा, इससे बच्चों को जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। जो मैंने आपको कल बताया था एबीसीडी के अल्फाबेट चल रहे थे उसमें एस के बाद में है टी। ये देखो ये क्या है, चीता। चीता यानी क्या बोलते हैं इसको, और टाइगर। क्या बोलते हैं इसको, टाइगर। टाइगर यानी चीता है ना। देखो जैसे टाइगर का टी कैसा होता है, टाइगर का टी ऐसा होता है, ये टी। देखो एक लाइन खींचो फिर एक ऊपर लाइन, तो क्या बन गया ये टी, टाइगर का टी। टी ऐसा होता है। पहले क्या बताया था मैंने आपको, एस, एस फॉर शिप। शिप के बाद में क्या आया, टाइगर। टाइगर देखा आपने, कभी गए हो जू में, गए हो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं, तब उसमें बंद करके रखते हैं उनको, उसमें भी एक होगा चीता। चीता यानी टाइगर, टीवी में भी देखा है। वैसे रहता कहाँ है ये, जंगल में, जंगल में रहता है ना, तो क्या बोलते हैं टाइगर। टाइगर यानी चीता, टी फॉर टाइगर। ठीक है, और देखो टी फॉर क्या होता है, ये देखो ये भी टी है, टी। टी फॉर ये क्या है, टोमेटो, टमाटर है ना, टमाटर खाते हो आप, लाल लाल बन जाते हैं टमाटर खाने से। देखो टमाटर, टमाटर को क्या बोलते हैं, टोमेटो, टमाटे का टी। ध्यान में आया, निकल मैं वापस आपसे पूछूंगी, टी, टी का मैंने पहचान बताई ना, और एस और टी की पहचान पूछूंगी कल। ठीक है, और जो शिशु वाटिका में वस्तु संग्रहालय होता है उसको बच्चों को जानकारी देनी है अभिभावक को। ठीक है, अब मैं एक पोयम बुला देती हूँ, बुलाऊ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ